एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल हलवा स्टाइल टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। इस चटनी को आप एक बार जरूर मेरे तरीके से बना करके देखिए, आपको पसंद आएगा। बिल्कुल शादी विवाह और पार्टी में जो हम खाते हैं ना टमाटर की चटनी, वैसे ही बिल्कुल बनी हुई है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है, ये देख सकते हैं कि पके हुए लाल लाल टमाटर। मैंने 1 kg टमाटर का यूज किया है। आप अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग टमाटर की चटनी के लिए टमाटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारे टमाटर को अच्छे से धो करके किचन टॉवल से पोंछ करके सुखा लिए हैं। अब इनको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से इनको पतले पतले स्लाइसिस में कट किया है, और आप अपने मनपसंद के साइज़ में टमाटर को कट कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे टमाटर को इसी तरह से कट करके एक साइड कर लिया है। अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस की ओर। अब मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाया है और उसमें ऐड किया है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है। आप अपने मनपसंद की कोई भी कुकिंग ऑयल में इसे बना सकते हैं। ऑयल को फ्री हीट गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें कुछ फ़ौरन ऐड करेंगे। तो फ़ौरन में मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ और 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच मंगरेला यानी कि कलौंजी, कहीं कहीं इसे काला जीरा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए 5 फ़ौरन डाल दिया है, जिसे पंचफ़ौरन भी बोलते हैं। और हलवाई जो है ना, वो सब्जी या फिर चटनी में इसी फ़ौरन का यूज करते हैं, तो जिससे कि सब्जी और चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर फ़ौरन लाल हो रहे हैं, जब तक हम इसमें डाल देंगे 2 सूखी हुई लाल मिर्च और 2 तेज़पत्ते के टुकड़े। सारी चीज़ों को एक बार भून लेंगे। फ़ौरन में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसी के साथ इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे जो मैंने पहले ही कट करके रखा है, और इनको भी हम हाई फ्लेम पर उलटते पलटते हुए 1 से 1.5 मिनट तक कुक करेंगे। इस तरह से लगातार चलाते हुए टमाटर को हम पकाएंगे ताकि जो टमाटर का पानी है वो जल्दी से रिलीज हो जाए। तो याद रखना है कि अभी हमें टमाटर को हाई फ्लेम पर ही पकाना है 1 से 1.5 मिनट। तो 1.5 मिनट हो गए हैं, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होने लगे हैं। अब इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, करीब 1/2 चम्मच, और 1/4 चम्मच मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। तो अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। हल्दी पाउडर हम सब्जी या चटनी में इस तरह से डालते हैं ना, ताकि ये शुभ हो, और इससे कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा चटनी का। ज़्यादा मत डालिएगा, सिर्फ 1/4 चम्मच ही इसमें हल्दी पाउडर डालिएगा। यहाँ पर सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से जो टमाटर की चटनी है बहुत ही अच्छी बनेगी, साथ साथ जल्दी से ये टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इनको हम कवर कर देंगे, और कवर करके हम इनको 6 से 7 मिनट तक स्लो गैस पर अच्छे से पकने देंगे। बीच बीच में 1-2 बार चेक भी करेंगे ताकि टमाटर की चटनी है वो जले नहीं। 6 मिनट हो गए थे, अब हम चेक कर लेते हैं चटनी को। तो आप देख पा रहे होंगे कि टमाटर है वो अधिकतर एकदम से सॉफ्ट हो गए हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं। उनको हम स्पैचुला से दबाते हुए इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, और देख पा रहे होंगे कि जब हम स्पैचुला से इस तरह से दबा रहे हैं तो ये आसानी से दब रहे हैं और ये एकदम स्मूथ बन रहे हैं। तो इसी तरह से हमें इनका टेक्सचर चाहिए। सारे टमाटरों की चटनी को हमने इसी तरह से देखिए एकदम से स्मूथ बना लिया है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे चीनी या फिर गुड़। मैंने यहाँ पर जैगरी पाउडर का यूज किया है, यानी कि गुड़ के पाउडर का, और मैंने यहाँ पर 300 ग्राम गुड़ लिया है। आप अपने मनपसंद चीनी या गुड़ डाल सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है। और कुछ तो टमाटर पर भी डिपेंड करता है, अगर टमाटर आपके खट्टे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही चीनी या गुड़ डालिएगा। मेरे जो टमाटर थे ना, वो लाल एकदम पके हुए टमाटर थे और एकदम से मीठे टमाटर थे। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम गुड़ जो डाला था वो एकदम से परफेक्ट थे। अब हम गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इनको 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। सारे गुड़ थे वो अच्छे से मेल्ट हो गए हैं और टमाटर में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसी के साथ इसमें हम ऐड कर देंगे 8 से 10 छुहाड़ा कट किया हुआ, और यहाँ पर 1/2 कटोरी मैंने किशमिश का यूज किया है। सारी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। छुहाड़ा और किशमिश को थोड़ी देर और पका लेंगे। तो करीब 3 से 4 मिनट तक हमने इनको और पकने दिया है धीमी आँच पर, और अब ये चटनी परफेक्ट तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, ना ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। टमाटर की चटनी जब ठंडी हो जाएगी तो और भी गाढ़े हो जाएंगे। तो बस हमें इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देना है, और टमाटर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टमाटर की चटनी कितनी बढ़िया बनी है, और इसका कलर भी आप देख सकते हैं, टेक्सचर भी है।
वो एकदम से हलवाई स्टाइल है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बगल में बेल है उसे आप ऑल में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। अगर ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।